संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। उपमा बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ी सी मूँगफली, सूजी थोड़ी सी, नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। गैस पे कढ़ाई रखेंगे और गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे। हो गई है, अब इसमें घी डालेंगे। सूजी डालेंगे जो कि हमने ये 200 ग्राम के करीब ली है। इस तरह से बराबर से गैस की फ्लेम को धीमी कर देंगे और इसे धीमी आंच पे ही सेकेंगे। घी थोड़ा इसमें कम लग रहा है, इसलिए हम घी थोड़ा सा और ऐड करेंगे। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है और अच्छी खुशबू आने लगी है। ये हमारी भू सेक गई है अच्छे से सूजी। अब हम इसे एक बर्तन पे निकाल लेते हैं, गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन पे निकाल देंगे। पे निकाल के रख देंगे। इधर तेल डाल दिए है इसमें और हम गैस को तेज गैस को जला देंगे। तेल को गर्म होने देंगे थोड़ी देर तक। हो गया है, इसमें मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची जो कि दो हरी मिर्ची काटी थी, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकती हैं। राई डालेंगे, जीरा डालेंगे थोड़ा सा और इसे इस तरीके से बराबर से चला देंगे। ये देखिए राई और जीरा का कलर चेंज हो गया है, मिर्ची भी हमारी पक चुकी है। और इसमें प्याज डालेंगे जो कि छोटी दो छोटी बारीक काट के रखी थी प्याज हमने। मूंगफली हमने पहले इसको सेक लिया था और इसका छिलका उतार लिया था, वो भी इसमें ऐड करेंगे और इसे भी इस तरीके से बराबर चला देंगे। पाउडर जो कि एक चौथाई चम्मच लिया था, इसे भी बराबर से चला देंगे। ये बारीक कटे हुए दो टमाटर करेंगे, इसमें अपना नमक ऐड करेंगे, एक आधा चम्मच लिया है, आप अपने हिसाब से स्वादानुसार नमक ले सकती हैं। आप चाहें तो मटर गोभी ये सब भी ऐड कर सकती हूँ, हम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको ढक देंगे, खोल के इसे चेक कर लेंगे, एक बार चला लेंगे। टमाटर थोड़ा सा और पकने देंगे इसको, बिल्कुल ज़्यादा सा, थोड़ी देर के लिए और ढकेंगे, इसे खोल लेंगे। ये देखिए हमारा टमाटर अच्छे से पक चुका है, इसमें अपना ऐड करेंगे सूजी जो कि हमने भून करके रखी थी, सेक कर इसे इस तरीके से चला देंगे बराबर से। अब हम इसमें अपना पानी ऐड करेंगे, पानी हम डेढ़ गिलास ऐड कर रहे हैं। हमारा पानी सोखने लगी है, सूजी पूरी गाढ़ी होने लगी है। ये देखिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ा और इसको सुखाएंगे। ये हमारा बन गया है, हम इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे और गैस को बंद कर देंगे और इसे बराबर से चला देंगे।